नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने इस सरस्वती विद्यालय के YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान से संबंधित आज का सबसे बढ़िया चैप्टर है, उसका नाम है प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं। हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना को है संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय और संविधान का सार संग्रह, वो कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना प्रत्येक देश के संविधान की जो मूलभूत आधारशिला होती है वो होती है प्रस्तावना। प्रत्येक देश के संविधान में सबसे पहले जो प्रस्तावनाएं लिखी जाती हैं, और हम बात करते हैं प्रस्तावना के परिभाषा की, तो संविधान के मूल उद्देश्यों की, संविधान के मूल जो उद्देश्य और मूल्य की भावनाओं को व्यक्त करने वाली को हम उद्देशिका कहते हैं। यानी हम बात करें कि संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब हम एक बार संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना का वाचन करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। अब विद्यार्थियों, आप इस संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें दो शब्द देख रहे हैं। एक तो है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि एकता और अखंडता। तो एक तो अखंडता शब्द और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो दोनों शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के अंतर्गत भारत की जो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में पहले शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व, केवल शब्द किया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बाद में 42वें संविधान संशोधन में शब्द जोड़ा गया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बाद में यहाँ पर केवल एकता शब्द था, वही 42वें संविधान संशोधन
कि जो धारा दो के तहत अखंडता शब्द भी इसमें जोड़ा गया। यह तो थी संविधान की प्रस्तावना। अब हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ लिया, अब हम इस प्रस्तावना की विवेचना करेंगे। अब हम इस प्रस्तावना की विवेचना करेंगे जिसमें घर्षणात्मक भाग को हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना की विवेचना के अंतर्गत भाग दो है, एक तो घर्षणात्मक भाग और एक है विवरणात्मक भाग। घर्षणात्मक भाग के अंतर्गत हम पहले इसकी विवेचना करते हैं जिसमें हम शब्द देखते हैं हम भारत के लोग। आपने ये शब्द देखा, हम भारत के लोग, यानी विद्यार्थियों इस शब्द से स्पष्ट होता है कि इस संविधान को जो है भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा ने इस संविधान का निर्माण किया। यानी सीधे सीधे इस संविधान का निर्माण जो है भारत के लोगों के द्वारा हुआ। फिर हम एक शब्द देखते हैं यहाँ पर, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत। यानी इस संविधान की जो भारत की जनता है इस संविधान को अंगीकृत करती है, अधिनियमित करती है, आत्मप्रीत करती है, यानी संविधान की पालना करती है। तो हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि भाई यहाँ पर जो हम भारत के लोग हैं, यानी भारत के लोगों ने स्वयं ने इस संविधान को बनाया है, किसी बाहरी शक्ति द्वारा इस संविधान को थोपा नहीं गया है। भारत की जनता ने स्वयं ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस संविधान का निर्माण किया है। फिर हम बात करते हैं दूसरे भाग ब की, जिसमें उद्देश्य भाग। और उद्देश्य भाग के अंतर्गत विद्यार्थियों क्या क्या इसमें चैप्टर दे रखे हैं, तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहले हम इस शब्द की विवेचना करते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पदावली में यह कहा गया है, इस पदावली में यह कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ है वह केवल और केवल भारत के लोगों के द्वारा हुआ है। इसमें कोई भी बाहरी शक्ति ने भारत के संविधान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है। इसके बाद एक शब्द और आता है, वो आता है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है विद्यार्थियों, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें भारत के समाजवादी शब्द के अंतर्गत 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी का तात्पर्य है कि भारत में जो है गरीबी रेखा से नीचे और जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके विशेष हितों की रक्षा करते हुए उनको आरक्षण प्रदान करके उनको एक विशेष स्थान पर ऊपर उठाते हुए यानी सभी वर्गों के बराबर लाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था, समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया था। बाद में एक शब्द हम देखते हैं विद्यार्थियों, पंथ निरपेक्ष शब्द। तो पंथ निरपेक्ष शब्द भी है, यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई भी राज्य धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ना ही भारत किसी धर्म को जो है आश्रय देता है, ना ही किसी धर्म का समर्थन करता है। यानी भारत का मत जो है, भारत सभी धर्मों का जो बराबर आदर्श, यानी बराबर जो सभी धर्मों को समान जो है आदर्श देता है, समान प्रेम देता है। यानी भारत न तो धर्म विरोधी है और न ही धर्म को समर्थन देता है, बल्कि सीधी सी बात है कि भारत अपने धर्म के स्थान पर तटस्थ है और पूर्ण रूप से जो है अपने को धर्म से, यानी राज्य को धर्म से अलग रखा है। फिर अगला शब्द विद्यार्थी हमारा कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, कोई भी क्षेत्र हो उसके अंतर्गत भारत की जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। भारत की जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, इसलिए भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है।
फिर हम बात करते हैं गणतंत्रात्मक राज्य, तो इसका अर्थ है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इस क्षेत्र में भारत एक गणराज्य है। फिर अगला शब्द है विद्यार्थी हमारा संविधान के अंतर्गत, संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत, वो है सामाजिक न्याय। हम बात करते हैं विद्यार्थियों सामाजिक न्याय की, तो समाज के अंदर यानी भारत देश के अंदर सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए सामाजिक क्षेत्र पर सभी को बराबर जो है न्याय दिलवाया जाएगा। फिर दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की हम बात करें तो भारत सरकार उन क्षेत्रों में सर्वाधिक कार्य करेगी, सर्वाधिक अर्थ खर्च करेगी जिसमें ज़्यादातर सामूहिक हित हो। उसके अंतर्गत सभी धर्मों को यानी सभी लोगों को, जो गरीब है अमीर है, उनको सामूहिक रूप से उसका लाभ मिल सके। राजनीतिक न्याय की हम बात करते हैं तो इसमें संवैधानिक उपचारों के तहत उसको राजनीतिक न्याय के अंतर्गत संविधान को आदर्श माना गया है, यानी राजनीतिक के क्षेत्र के अंतर्गत भी सभी को समान अवसर देने की बात कही गई है। फिर हम बात करते हैं प्रस्तावना के अगले शब्द जिसका नाम है स्वतंत्रता। विद्यार्थियों स्वतंत्रता की हम बात करें तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में अपने धर्म, अपने राज्य, अपने कार्य के क्षेत्र में स्वतंत्र रखा गया है, यानी व्यक्ति को अपने अधिकारों के तहत स्वतंत्र रखा गया है। बात करें हम समानता की तो समानता के अंतर्गत विद्यार्थियों जो हैं देश के सभी व्यक्तियों को समानता और अवसर की जो समता और अवसरों की समता, यानी देश के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या सरकारी कार्यकाज हैं या कोई भी सरकारी क्षेत्र में, उन सभी में व्यक्तियों को बराबर अवसर देने की बात कही गई है। किसी को अमीरी गरीबी के हिसाब से, ऊंच नीच के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। बंधुत्व की हम बात करें जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए ये बंधुत्व की बात कही गई है। फिर संविधान के अंतर्गत विद्यार्थियों हमारा अगला शब्द है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हम व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की हम बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। इसमें हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो भारत की एकता से भलीभांति परिचित थे और उनको पता था कि भारत में सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इन सब से परे हटकर व्यक्ति अपनी गरिमा को देखते हुए राष्ट्रहित और राष्ट्र एकता के बारे में सोचे। इसलिए इस आदर्श को भी संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और इस चैप्टर का अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों, वो है हमारा जो है अखंडता, वो है अखंडता। और विद्यार्थियों अखंडता चैप्टर के अंतर्गत हम बात करें तो इस शब्द को क्यों जोड़ा गया, इस शब्द में सीधी बात है भारत की एकता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अखंडता का मतलब है भारत को किस सीमाओं से विदेशी आक्रमणकारी को किसी प्रकार से अंदर नहीं आने दिया जाएगा, भारत को किसी प्रकार से खंडित नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह से हम बात करते हैं कि भाई ये पूरी संविधान सभा जिसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना थी। तो आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।